तो वहीं आपको बता दें कि वोट जिहाद के नारे लगाने वालों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से निशाना साधा गया और उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की ये लोग बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश उन्हें अपने वोटों के माध्यम से जवाब देगा। मैं इतना ही कहूंगा, वोट की चोट से वोट जिहाद वालों को नस्तनाबूद कर दो। जो लोग वोट जिहाद का नारा देते हैं उनका साथ पाकिस्तान से जिहाद करने वाले साथ देते हैं। ये किसके हाथ के साथ? विदेशी ताकतों का हाथ है। ये देश के सामने आ गया है। ये देश विरोधी ताकतें आज विपक्ष के माध्यम से ये जाति धर्म का दांव खेलकर भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं। मैं देश की जनता को कहता हूं, ऐसी वोट की चोट दो कि वोट जिहाद वालों के हौसले पस्त हो जाएं।